Good morning students, welcome to second session of life processes which is respiration. तो हम लोग life processes में nutrition पढ़ चुके हैं और उसको सीख चुके हैं अच्छी तरह से. nutrition में क्या था कि हम लोग food को intake कर रहे थे और respiration क्या है, respiration में हम लोग उस food का utilize कर रहे हैं energy production में जिसका मदद ले रहे हैं हम लोग जिसमें oxygen का. तो first of all we get this definition of respiration. Respiration is a biochemical process of oxidative breakdown of organic compounds inside releasing small packet of energy. मतलब कि respiration में हम लोग जो food है उसका biologically biochemically breakdown किया जा रहा है उसको, और मतलब कि oxygen के presence में, और उससे energy का मतलब मॉलिक्यूल्स रिलीज कराया जा रहा है जिसको हम लोग एटीपी के नाम से जाना जाता है. एटीपी का फुल फॉर्म हुआ एडोलसिन ट्राईफॉस्फेट. तो इसका हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज. ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यूज किए जाते हैं तो उससे रिलीज होता है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ये रिलीज कराया जाता है इसे. अब इसके बाद आता है कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स, रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होते हैं. तो रेस्पिरेशन मुख्यतः चार स्टेप्स में होते हैं. सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज या फिर ब्रीदिंग जिसको कहा जाता है ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है. इसके बाद हो जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब गैस का आउटर सरफेस पे एक्सचेंज किया जाता है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन होता है अगर रेस्पिरेटरी गैस टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि अब मतलब कि लंग्स के अंदर जब ब्लड में मिक्स, ब्लड हर टिश्यू हर सेल तक ब्लड को पहुंचा, ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. और लास्ट वन है सेल्युलर रेस्पिरेशन. सेल्युलर रेस्पिरेशन ही रेस्पिरेशन का मुख्य अंग है. सेल्युलर रेस्पिरेशन में एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का यानी कि फूड जूस का, और ये लिविंग सेल में ही बस हो पाता है. अब इसके बाद आता है बारी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स में कैसे होते हैं. प्लांट्स में ऐसे तो प्लांट्स भी कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो प्लांट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज अलग अलग लेवल्स होता है. इन प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स एक्सचेंज गैसेस इंडिपेंडेंटली, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से गैस का एक्सचेंज करते हैं. गैस जो एक्सचेंज होता है इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. डिफ्यूजन तो आप लोगों को पता ही है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस का मूवमेंट को ही डिफ्यूजन बोला जाता है. और ये इस कारण से हो पाता है क्योंकि जो प्लांट्स का सेल होता है वो लूजली पैक्ड होता है, उनमें सेलुलर स्पेस होता है और इस वजह से ये गैसियस एक्सचेंज ये मूवमेंट हो पाता है. तो सबसे पहले यंग रूट्स जो होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो एपिब्लेमा सेल से होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रति परमिएबल होता है गैसेस के प्रति, और वहीं से ऑक्सीजन लेके और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं. अब आता है बारी कि अगर पानी भरा हो, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो, खेत में पानी लगा हो, तो इस केस में क्या होता है कि रूट्स का जो एक्टिविटी होता है वो डिटोरिएट कर जाता है, डिक्लाइन होता है, और इस केस में रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाते और अधिक समय तक पानी जमने के कारण वो रूट्स मरने शुरू हो सकते हैं. नेक्स्ट है ओल्डर रूट्स एंड स्टीम्स. तो ओल्डर रूट्स और स्टीम्स कैसे करेंगे. ओल्डर रूट्स और स्टीम्स जो होते हैं, ओल्डर रूट्स के जो सरफेस होते हैं वो तो इनपरमिएबल होते हैं, तो वो उनके पास परमानेंटली ओपन पोर्स होते हैं ओल्डर रूट्स स्टीम्स में, जो कि लेंटी सेल्स के नाम से जाने जाते हैं. और रूट्स जो होते हैं वो तो मतलब कि उनमें भी लेंटी सेल्स होते हैं, तो ये लेंटी सेल्स के थ्रू ही रिस्पायर कर पाते हैं. और लास्ट वन जो मेन रेस्पिरेटरी
गैस का एक्सचेंज होता है वो लीव्स के थ्रू होता है और स्टोमेटा, मेनली स्टोमेटा के थ्रू, जो कि ग्रीन लीव्स और यंग स्टीम जो ग्रीन कलर के होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो होते क्विक एक्सचेंज यहाँ पे गैसेस का होता है। और ये जो स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स इन लीव्स एंड स्टीम दे आर रेगुलेटेड बाई गार्ड सेल्स, मतलब कि इनको कंट्रोल करते हैं कब स्टोमेटा को खुलना है कब बंद होना है, गार्ड सेल्स इसको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, तो लोअर जो एनिमल्स मतलब कि बहुत छोटे माइक्रोस्कोपी हो गए और छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हो गए उनमें गैस का एक्सचेंज जो होता है बहुत सेल सरफेस पे ही हो पाता है, क्योंकि वो बहुत एक सिंगल सेलुलर हुए या फिर मल्टी सेलुलर भी हुए तो बहुत सिंपल उनका बॉडी हुआ, तो वहाँ पे सेल सरफेस या फिर स्किन के थ्रू वो रिस्पायर कर पाते हैं। और जो बड़े ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, जैसे कि गिल्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, तो ये सब के थ्रू ये रिस्पायर कर पाते हैं। सबसे पहले सेल सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जो उसमें मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब जो सेल सरफेस पे ही गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। और इसके बाद जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो तो उनका बॉडी थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, उनके पास सरफेस एरिया कम और उनका वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब बॉडी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस केस में ये मतलब कि उतना गैसियस डिमांड को मीट नहीं कर पाते हैं इस सेलुलर लेवल पे या फिर सरफेस लेवल पे, तो इनमें ब्रांचियल रेस्पिरेशन या फिर क्या कहते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन मेनली होता है फिश में, एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू जो रिस्पायर कर पाते हैं, ये कर पाते हैं। ये कैसे करते हैं गिल्स के थ्रू, इनके माउथ में एक पोर होता है जो गिल्स के नाम से जाना जाता है, और ये वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये सेपरेट करके वो मतलब कि ब्लड से कंबाइन कराता है, तो इसके थ्रू ये रेस्पायर कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में तो ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, तो ये इनके बॉडी में एक स्मॉल होल होता है जिसको स्पाइरेकल के नाम से जाना जाता है, और ये रेस्पिरेशन स्पाइरेकल के थ्रू ही कर पाते हैं। फोर्थ लेवल पे आ जाते हैं गैसेस एक्सचेंज इन हायर मोस्ट हायर एनिमल्स या कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा, तो इनके पास ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं और इनके पास होता है स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स। ये मोस्टली लैंड वर्टिब्रेट्स, लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ह्यूमन, इन सब के में ये होता है। अब सबसे मेन आती है बारी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस यानी हम लोग कैसे रेस्पिरेशन कर पाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और मेन जो उसका पार्ट है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या हायरार्की है ये हम जानते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में सबसे बाहरी जो एरिया है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक दिखते हैं बाहर से, ये टू ऑब्लिक ओपनिंग होते हैं जो माउथ के ऊपर होते हैं। इसके बाद आ जाती है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या है, इट कॉन्टेंस हेयर्स फॉर फिल्टरिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको प्योर मतलब कि फिल्टर करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रोकता है और उनसे ये उनको फिल्टर करता है। फिर इसके बाद इसमें हमारे नाक में एक लेयर आता है लिक्विड म्यूकस का लेयर, जो कि लाइजोजाइम्स कंटेन करता है। लाइजोजाइम्स हम लोग इससे पहले डाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं कि लाइजोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, और ये डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेता है। इसके अलावा जो नेसल कैविटी का एक और फंक्शन है, ऑडर को सेंस करना, यानी कि स्मेल को सेंस करना। इसके बाद
जो टेम्परेचर होता है उसको भी चेंज करने का काम होता है। जो हमारे टेम्परेचर एयर इंटर करते हैं उनके टेम्परेचर और मॉइस्चर को भी कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद नेसल कैविटी के बाद नेक्स्ट आ जाता है फैरिंग्स। फैरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों कॉमन होता है एक जगह पे। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स जो होता है इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल एपिग्लोटिस। इसके पास एपिग्लोटिस होता है विच कवर्स ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। एपिग्लोटिस जो लेयर होता है वो ग्लोटिस को कवर कर लेता है ताकि ग्लोटिस यानी कि जो फूड पाइप होता है उसका आउटर मतलब कि वहाँ पे कॉमन कवरिंग होता है उसको कवर कर लेता है ताकि खाना घोटते समय रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर करता है ताकि खाना घोटते समय हमारा फूड जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर ना कर पाए। इसके बाद लैरिंग्स के बाद ही ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लंबा नली होता है जो लैरिंग्स से शुरू होता है और थ्रोक्स तक रहता है। यहाँ पे जाके मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करता है एक सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जिसको मतलब जो ये प्रोटेक्ट करता है ट्रैकिया को। नेक्स्ट है ब्रोंकी। जब ट्रैकिया थ्रोक्स के पास दो भाग में डिवाइड होता है तो दोनों भाग को ब्रोंकी कहा जाता है। ये ब्रोंकी दोनों अलग अलग ब्रोंकी दो लंग्स में इंटर करते हैं और उसके बाद लंग्स में और फर्दर ब्रांचिंग करके ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। ये ब्रोंकियोल्स जब एंड पॉइंट पे पहुंचता है तो उसको एक सैक लाइक कवरिंग टिश्यू जो है कवर करता है जो कि वहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये ब्लड कैपिलरीज में रिच होते हैं। एल्वियोलाई जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज को कंटेन करते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। फिर आ जाती है हमारी लंग्स की। तो लंग्स पिंकिश ग्रेइस कलर का एक कोनिकल स्पंजी ऑर्गन होता है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। इसको एक आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट करता है। उस लेयर का नाम है प्लुएरा। ये याद रखिएगा कि उस लेवल का लेयर का नाम है प्लुएरा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब रेस्पिरेशन कैसे हैपन होता है हमारे मतलब हाउ इट हैपन्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले एयर इंटर करता है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू और उसके बाद इसको हेयर जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो उसको फिल्टर करते हैं। इसके अलावा ये इंटीरियर पार्ट में इंटर करता है जहाँ पे कि डस्ट क्लिनजिंग माइक्रोब्स किलिंग किया जाता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में लाइजोजाइम जो प्रेजेंट होते हैं और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ये सब इसका काम करते हैं। नेक्स्ट नेसल कैविटी इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज। जो नेसल कैविटी हम लोग देखते हैं कि हमारे नाक के पास जब भी चोट लगता है तो ब्लड तुरंत आने लगता है तो ये क्यों आता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं कि टेम्परेचर को कम करती हैं। अगर बाहर से गर्म हवा आ रहा है तो उसके टेम्परेचर को कम करती हैं। इसके अलावा उसके मॉइस्चर को भी ये कंट्रोल करती हैं। वेट एपिथेलियम कंट्रोल्स मॉइस्चर ऑफ द एयर। ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरैक कैविटी इनलार्ज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल इंस्पिरेटरी मसल के कारण दो इंस्पिरेटरी मसल जो मूवमेंट होता है उसके वजह से ये जो थ्रोइक्स कैविटी है वो इलाज हो जाता है। मतलब कि हमारा लंग्स एयर को एब्जॉर्ब इंटर करने में मदद मिलती है लंग्स में। फर्स्ट है फेनरिक। फेनरिक में क्या होता है कि डायफ्राम जो एक नीचे लेयर होता है टिश्यू से बना हुआ लेयर डायफ्राम जो लंग्स के नीचे कवर करता है वो क्या होता है डाउनवर्ड पुश किया जाता है। तो डाउनवर्ड जो मूवमेंट करेगा तो क्या होगा लंग्स का लेंथ थ्रोक्स का बढ़ जाएगा सरफेस एरिया का मतलब कि बढ़ जाएगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो
लंग्स का इंटरकोस्टल मसल है वो बाहर की तरफ, हमारे जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा चेस्ट बाहर की तरफ खुल रहा है। तो ऐसा ही होता है कि जब चेस्ट हमारा बाहर की तरफ निकलता है और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो इसके वजह से लंग्स में लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके वजह से बाहर का एयर हमारे लंग्स में इंटर कर पाता है। इसके थ्रू ही हमारा जो एयर है वो इंटर कर पाता है। तो एयर का हम लोग स्टेप जान ही चुके हैं कि पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेसल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकीज, देन ब्रोंकियोल्स, एंड एट लास्ट इट इंटर्स ब्लड थ्रू एल्वियोलाई। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन एल्वियोलाई, जो गैस का मेन एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में हो पाता है, और एल्वियोलाई में इस कारण से हो पाता है क्योंकि एल्वियोलाई जो है रिच इन ब्लड कैपिलरीज, देयर आर वेरियस ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इन ब्लड थ्रू दिस ब्लड कैपिलरीज, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से कैसे मिल पाता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में मिल पाता है। अब ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड क्या कंटेन करता है, ब्लड हेमोग्लोबिन को कंटेन करता है, और हेमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं कि आयरन से बनता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खुद में कंबाइन कराने की। तब जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और उसके बाद ये हर सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं आसानी से। अब ब्लड जब कंबाइन कर लिया ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन को लेके सेल्स तक जाता है, तो सेल्स में भी अब ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड से ऑक्सीजन फिर वापस सेल्स में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चूँकि सेल्स में ज़्यादा होती है और ब्लड में कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से सेल में चला जाता, सेल से ब्लड में चला जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल से ब्लड में आता है तो कंबाइन करके क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बिनो हेमोग्लोबिन, और ये फिर वापस सेल्स से एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं सेम वे ब्लड के थ्रू, और एक्सेलेशन के थ्रू सेम वे में एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, देन फैरिंग्स, देन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, देन एक्सटर्नल नेसल कैविटी एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पूरा हुआ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब कि जहाँ एयर का यूज होता है उसको एरोबिक, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज मैक्सिमम एनर्जी इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कराया जाता है और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस एकदम जरूरी है। एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है पाइरूवेट में, उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने फिगर नीचे लगाया हुआ है, इसमें ग्लूकोज ये फर्स्ट जो स्टेप होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया गया, इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है जिसे, वो उसमें ये पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है और इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन इसमें ज़रूरी है। यहाँ पे पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है और उसे सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज की जाती है। 38 एटीपी ऑफ एनर्जी जो है 2870 किलो जूल्स के बराबर ये एनर्जी होती है। तो इसे फर्स्ट स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और सेकेंड स्टेप को कर्ब साइकिल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ये जो कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है।
तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है बहुत ही कम मात्रा में होती है। इट मेनली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन बॉडी में अगर ये अकरेंस भी होती है तो ये मसल सेल्स में होती है। तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट अगर सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसको मानते हैं हम लोग, तो ईस्ट में फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट विच इज 2C3H4O3। और नेक्स्ट जो पायरूवेट ब्रेक डाउन होता है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है और उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें जब पायरूवेट ब्रेक होता है तो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। इसके बाद जब मसल सेल में यही होता है तो मसल सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है और ये पायरूवेट ही बनेगा, और फिर ये जो पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, पर इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज होके क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड और 2 ATP ऑफ एनर्जी। इसमें भी एनर्जी उतना ही कम रिलीज होता है। जब हम ज़्यादा रिग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो इस केस में मसल सेल्स जो होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, जिसके कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं हमारे मसल्स में। तो कभी कभी हम लोग बहुत रिग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स पेन करने लगते हैं, स्ट्रेन करने लगते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मसाज के थ्रू, या फिर गर्म पानी से में अपने मसल्स पैर हाथ रखने पे, हॉट शावर वॉश, ये सब इसका ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, इट इज एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट मेनली, उसका एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू प्रोड्यूस एल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स, इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।